मीडिया पर एक ऐसा दर्दनाक और शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे हर कोई हैरान है। वीडियो में एक महिला की डिलीवरी आशा कार्यकर्ता और महिला की परिजनों के द्वारा सड़क किनारे टॉर्च की रोशनी में करवाई जा रही है। हालांकि डिलीवरी के बाद मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस का डीजल खत्म होने के कारण सड़क पर की गई, लेकिन इस वीडियो के बाद लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग की सुविधा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरा मामला था? जी, आपको बताना चाहेंगे, ये पूरा मामला पन्ना जिला के सहनगर तहसील अंतर्गत बनौली ग्राम पंचायत का है, जहां पे एक आदिवासी महिला की डिलीवरी होनी थी, जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस उसको लेके वहां से निकली है कि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी। उसी समय एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया और प्रसव की पीड़ा बराबर बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी उसकी डिलीवरी सड़क किनारे मजबूरी बस करवानी पड़ी। बिल्कुल अमित, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है? क्या फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? विभाग के द्वारा अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना उनका सामने कोई बयान आ रहा है। जिस तरीके की ये घटना है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, और जिला अस्पताल की सुविधाओं को लेकर वैसे ही विवादित रहा है जिला अस्पताल। लगातार खबरें भी प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन इससे भी कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।